दोस्तों, सरकार की तरफ से एक पब्लिक के लिए एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करो आपस में। अभी ये चीज़ जो है कि किस किस को लागू होता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं भी सोचा था कि शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे भी अब मैसेज आ रहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करो। ये हर नागरिक को तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसका GST वगैरह, फिर या जो भी व्यक्ति छोटा मोटा बिजनेस करता है, ठीक है, बड़ा बिजनेस की बात तो अलग हो गई, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है तो उसको भी करना अनिवार्य हो गया है। मेरा भी छोटा मोटा बिजनेस है और मैं सोचा कि शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि मेरा डीमैट अकाउंट है जिरोदा में और मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। उधर से मैसेज आ रहा है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब शेयर बेच और ख़रीद नहीं सकते जब तक कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं कर देते हैं। तो मैं तो भी यहाँ फंस गया, अब मुझे कराना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कोई नहीं कराया है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा बड़ा व्यापारी नहीं है या फिर छोटा व्यापारी नहीं है, अपना जॉब वगैरह करता है, तो वो नहीं कराएगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, ऑनलाइन आप कोई काम करते हो, जैसे कि शेयर मार्केट में आप रहते हो और छोटा मोटा व्यवसाय है आपका, तो आपको कराना ज़रूरी होगा। और अगर आपका कोई धंधा बिजनेस नहीं है या, लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा बैंक खाते में ले जाना चाहते हो या फिर आपका करंट अकाउंट है, तो आपको करवाना ही पड़ेगा। और इसकी फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराने की जो फ़ीस है। वैसे अगर आप मोबाइल से कर सकते हैं तो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आप जो है किसी साइबर कैम्प में जाके वहाँ पे करवाइए। भले ही आपका 1,000 जाएगा, वो तो जाने वाला ही है, आप मोबाइल से करेंगे तो भी आपके पे फोन गूगल पे या पेटीएम से कटने वाला ही है, आपके बैंक अकाउंट से, क्योंकि उसमें मैं करके देखा तो ऑप्शन आ रहा था कि आप पेमेंट मेथड, मतलब किस तरह करेंगे, पेटीएम से, गेटवे, गूगल पे, बैंक अकाउंट से, तो पैसा कटेगा ही कटेगा। और अगर आप साइबर कैब में जाएंगे तो उसको भाई रोज़ 2,000, 10, 20 कर रहा है, उसको अच्छे से जो भी फॉर्म वगैरह भरेगा और कर देगा, जो भी आपका 1,000 रुपया प्लस 25-50 रुपया और वो लेगा, और आपका 24 घंटे में ही हो जाता है।